बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन की तरफ से बधाई संदेश भेजे जाएंगे। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि बेटे के जन्म पर सभी जश्न मनाते हैं, लेकिन बेटियों के जन्म पर कोई जश्न नहीं मनाता, इसीलिए प्रशासन द्वारा बेटी के जन्म पर बधाई संदेश भेजे जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी लड़कियों के बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए जाएंगे। उपायुक्त ने नवजात बच्ची के घर पर बच्ची के नाम की नेम प्लेट लगाने की भी बात कही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो है हमने दो तीन नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें एक तो यह है कि जो हमारा प्रशासन है वो बेटियों के घर जाके उनको बधाई संदेश देगा कि बेटी होने का जो जैसे होता है, आपको पता है कि बेटा होने पे लोग बधाई देते हैं और काफ़ी खुशी का माहौल होता है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कि बेटी होने पर भी लोग उसको मनाएं और उसको जो है सेलिब्रेट करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ से अपना बधाई संदेश जो है वो बेटी जिनके घर में बेटी हुई है वहाँ पर देंगे। उसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हम ये जो हमारे जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर हम जो बेटी जो अचीवर्स हैं, जैसे कोई टेंथ में टॉपर है, कोई ट्वेल्थ में टॉपर है, या किसी ने किसी फील्ड में जैसे गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में कोई एक्सेल कोई मेडल लिया है, तो उनके हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। उसके अलावा जो एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे आपको पता है जैसे घरों के बाहर नेम प्लेट होती है, तो जनरली नेम प्लेट जो है वो घर के मुखिया की होती है, तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि आगे से हम जो है जहाँ पे नेम जहाँ बच्ची का जन्म होगा वहाँ पे बच्ची के नाम की जो नेम प्लेट है वो हम जो है प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उन पेरेंट्स को देगा और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने घर के बाहर बच्ची का नेम प्लेट लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।